प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम अव्यय भाव समास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 6 अव्यय या उपसर्गों का अध्ययन भी कर लिया था। जैसे अधि उपसर्ग, समस्त पद में यदि अधि उपसर्ग है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद का मैंने बता दिया आपको, जो अव्यय भाव समास का जो उत्तर पद होता है वह संज्ञा पद होता है। संज्ञा पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाकर अंत में अधि के स्थान पर इति लिख देते हैं। इसके बाद हमने बात की थी अधि के बाद उप उपसर्ग की। यदि समस्त पद में उप उपसर्ग है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर के अंत में उप के स्थान पर समीपम लिख देते हैं। इसके बाद हमने अध्ययन किया था अनु उपसर्ग का। अनु उपसर्ग यदि समस्त पद में है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और अनु के स्थान पर पश्चात या योग्यम। देखो, योग्यता अर्थ को प्रदर्शित करे तो योग्यम लगाना है और नहीं करे तो क्या लगाना है? पश्चात। ये मैंने उसी समय बता दिया था, उदाहरण भी समझाए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था निर। यदि समस्त पद में निर उपसर्ग है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और अंत में निर के स्थान पर क्या लिख देंगे? अभाव है। उसके बाद हमने किया था प्रति। अव्यय पद है, अव्यय यदि समस्त पद में प्रति अव्यय है, अव्यय या उपसर्ग दोनों कह सकते हो, प्रति अव्यय या उपसर्ग है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद को 2 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? संज्ञा पद को 2 बार लिखकर अंत में प्रति के स्थान पर प्रति लिख देते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी बताया था, प्रति क्षणम 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 प्रति। ठीक है, बात करें इसके बाद यथा। यदि यथा समस्त पद में यदि यथा अव्यय पद है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में द्वितीया विभक्ति एक वचन लगाकर, कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति एक वचन लगाकर अंत में यथा के स्थान पर अंतिक्रम्य लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ तक का अध्ययन भलीभांति कर लिया था। अब आगे इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए कौन सा समास चल रहा है? अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास में आज हम पढ़ेंगे सहितम अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? सह। कौन सा? सह या सह। यदि यह उपसर्ग, ध्यान दें, सह या सह, ये तो है अव्यय। सह क्या है? अव्यय। ये तो है अव्यय और ये क्या है? उपसर्ग। ध्यान दें, सह अव्यय है और सह से केवल है आपका उपसर्ग। तो विद्यार्थियों, बात करें हम आपको उदाहरण जैसे ही मिलेंगे तो केवल ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, केवल से मिलेगा, सह नहीं मिलेगा। ठीक है, केवल कौन सा मिलेगा? सह नहीं मिलेगा। उदाहरणों में आप देख सकते हैं, देखिए, सह मिल रहा है, सह नहीं मिल रहा। ठीक है, जब सह उपसर्ग सहितम अर्थ में हो तब हमें समास विग्रह अलग करना है। यदि सह उपसर्ग यथार्थ अर्थ में यानी सादृश्यम अर्थ में हो तो समास विग्रह अलग करना है। समझे? दोनों बातें बता रहा हूँ। मात्र एक उदाहरण मैंने इसमें सम में एक उदाहरण अलग लिया है, वो समझाने के लिए। वो क्या है? दोनों नियम बताएंगे अब आपको। देखिए, जैसे सह उपसर्ग है, ये सह किस अर्थ में प्रयुक्त होता? हो, सहितम अर्थ में। सह किस अर्थ में? सहितम। सहितम का अर्थ होता है साथ। सहितम का अर्थ क्या होता है? साथ। यदि सह उपसर्ग सहितम अर्थ में प्रयुक्त हो तो क्या कह रहा है? सह उपसर्ग आने पर संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति? 3 से पता लग जाएगा आपको, तृतीया। कौन सी? तृतीया।
तृतीय संज्ञा पद में तृतीय विभक्ति लगाएंगे और सह के स्थान पर अंत में क्या लिख देंगे, सहितम। क्या लिख देंगे, सहितम लिख देंगे। ये मैंने आपको बताया था कि सह किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, सहितम अर्थ में। किस अर्थ में, सहितम अर्थ में। देखिए पुनः समझिए, सहितम अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है, से। कौन सा, से, जिसका क्या अर्थ होता है, सहितम का अर्थ भी साथ होता है और से का अर्थ भी क्या होता है, साथ। ध्यान दें, जब से उपसर्ग समस्त पद में जब से उपसर्ग दिखाई दे तो आपको समास विग्रह कैसे करना है, संज्ञा पद में तृतीय विभक्ति लगानी है और अंत में से के स्थान पर सहितम लिख देना है। देखिए अब उदाहरण जो है, इधर तो है समस्त पद, समस्त पद कह दो या समास कह दो या संक्षिप्तीकरण कह दो, ठीक है, समस्त पद समास या संक्षिप्तीकरण इधर लिख रहे हैं और इनका क्या करेंगे हम विग्रह। देखो से उपसर्ग सब में दिख रहा है, से दिख रहा है आपको, तो अंत में से के स्थान पर क्या लिख देंगे, सहितम। क्या लिखेंगे, सहितम, समझ गए। अब चित्र देखो, चित्र मैंने नपुंसक लिंग, मैंने एक बात और बताई, हर वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको कि अव्यय भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। देखो चित्र अकारांत है, एकारांत है, इसलिए मैं में हलंत लगा दिया, ये अकारांत है, मैं में हलंत, अकारांत 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 अकारांत, ये भी अकारांत, ये आकारांत है, कल नहीं ये कला है, कल नहीं ये क्या है, कला। तो आकारांत को नपुंसक लिंग में बदलने के लिए आ की मात्रा हटाएंगे और मैं में क्या लगा देंगे, हलंत। ये भी अकारांत, सॉरी ये अकारांत है, ये अकारांत है और ये आकारांत है, त्वर नहीं है ये त्वरा है, त्वरा का अर्थ होता है शीघ्रता, जल्दी, ठीक है, त्वर नहीं है ये त्वरा। इसमें भी आ की मात्रा हटाई, मैं हलंत लगा दिया, नपुंसक लिंग में चेंज हो गया। अब बात करें हम, जैसे एकारांत है तो डायरेक्ट मैं हलंत लगा देंगे नपुंसक लिंग में बदलने के लिए, आकारांत है तो आ की मात्रा हटा देंगे और मैं हलंत लगा देंगे, ये नियम मैंने आपको हर वीडियो में बता रखे हैं। देखिए चित्र में तृतीय विभक्ति लगाइए आप, चित्र में तृतीय लगाएंगे तो क्या होगा, चित्रेण, से के स्थान पर क्या लिख दिया अंत में, सहितम। ऐसे ही अब से के स्थान पर हमने अंत में क्या लिखा, सहितम। अब संज्ञा शब्द क्या है, हृदय, क्या है, हृदय, हृदय में लगाइए आप तृतीय विभक्ति, हृदयन, क्या होगा, हृदयन, ठीक है। संज्ञा पद क्या है, शस्त्र, शस्त्र में लगाइए आप तृतीय विभक्ति, शस्त्रेण, से के स्थान पर क्या लिख देंगे अंत में, सहितम, ठीक। बात करें धर्म, संज्ञा पद है धर्म, धर्म में लगाइए आप तृतीय विभक्ति, धर्मेण, ठीक है, अंत में से के स्थान पर क्या कर देंगे, सहितम। अब देखिए से अस्त्रम लिख रहा है, इसको पढ़ने का तरीका देखिए, से को अलग करेंगे तो अस्त्रम बचेगा, क्या बन गया ये, शास्त्रम। अब अस्त्र संज्ञा पद है अपने पास, अस्त्र, अस्त्र में तृतीय लगाइए, अस्त्रेन, से के स्थान पर अंत में क्या कर देंगे, सहितम, ठीक है। मित्र में लगाइए, देखो मित्र संज्ञा पद है, मित्र में तृतीय लगाइए, मित्रेण, से के स्थान पर क्या कर देंगे, सहितम। इस तरह से आपको समास विग्रह करना है। शरीर, शरीर में लगाइए तृतीय विभक्ति, शरीरेण, और से के स्थान पर अंत में सहितम। कल नहीं है ये कला शब्द है, कल नहीं ये क्या है, कला, ठीक है। अब कला में तृतीय विभक्ति लगाइए, कला भी, कला भी, बहुवचन लगाया है, से के स्थान पर अंत में सहितम। अंत, अंत में लगाइए, अंतेन, अंतेन सहितम। अंतेन सहितम।
अनुवाद का करेंगे अनुवादेन सहितम, से अनुवादम का करेंगे अनुवादेन सहितम। त्वर का करिए, त्वर नहीं है ये त्वरा, त्वरा में अजा की तरह चलेंगे अजिया, सॉरी अजिया, ऐसे ही त्वरिया ऐसे बन जाएंगे त्वरिया सहितम। इधर देखिए आप, से व्यवधानम लिख रहा है, इसका समास विग्रह करें। व्यवधान शब्द है, संज्ञा शब्द, तो व्यवधान में तृतीय लगाओ, व्यवधानेन सहितम, तृतीय लगा दी व्यवधानेन सहितम, ठीक है। से व्यवधानम का होगा व्यवधानेन सहितम। अब आपको आ जाता है से हरि, ये सहितम अर्थ में नहीं है, ये है सादृश्यम अर्थ में। किस अर्थ में? सादृश्यम अर्थ में। तो मैंने सहितम अर्थ में तो बता दिया कि संज्ञा पद में तृतीय विभक्ति लगा करके अंत में स के स्थान पर सहितम लिख देते हैं। यदि सादृश्यम अर्थ में स होता है, स उपसर्ग का प्रयोग होता है, सादृश्यम का अर्थ होता है समानता और सहितम का अर्थ होता है साथ, तो आपको समास विग्रह चेंज करना है। कैसे करोगे? संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाओगे। संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति लगाओगे? षष्ठी, और अंत में से के स्थान पर सादृश्यम लिख देते हैं। देखो यही उदाहरण एक अकेला है, अलग है सबसे, तो ये सादृश्यम अर्थ में मैंने बताया, तो मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। हमें षष्ठी विभक्ति प्लस सादृश्यम लिखना है। जब से का प्रयोग सादृश्यम में हो, सह उपसर्ग का प्रयोग जब सादृश्यम में हो, तो आपको संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगानी है और से के स्थान पर अंत में सादृश्यम लिखना है। देखो से हरि का क्या होगा? षष्ठी लगाओ हरि में, हरे हे, और से के स्थान पर सादृश्यम, ठीक है। ये अलग उदाहरण इसलिए लिया है मैंने समझाने के लिए, क्योंकि से जो उपसर्ग है वह दो अर्थों में, एक तो सहितम और एक सादृश्यम। सादृश्यम में यथार्थ अर्थ में, यथार्थ अर्थ में मैंने बताए थे आपको चार अर्थ प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से योग्यता, विपसा, पदार्थ अंतिवृत्ति और सादृश्यम, ये चार अर्थ बताए थे। तो उसमें आपको ये सादृश्यम अर्थ में जब प्रयुक्त हो तो संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके अंत में से के स्थान पर सादृश्यम लिखना है। अब देखो सादृश्यम का अर्थ भी क्या है? समानता। देखो यहाँ पे स चित्रम, चित्र के साथ, हृदय के साथ, शस्त्र के साथ, धर्म के साथ, अस्त्र के साथ, मित्र के साथ, शरीर के साथ, कलाओं के साथ, अंत के साथ, अनुवाद के साथ, शीघ्रता के साथ, व्यवधान के साथ, और स हरि का होगा हरि के समान। हरि के साथ नहीं होगा, हरि के समान। किसके समान? हरि के समान। सादृश्यम अर्थ में हो तो किसके साथ? हरि के समान। तो षष्ठी विभक्ति लगाएंगे हरे सादृश्यम, ठीक है। ये समझाने के लिए लिखा है, छह से मतलब षष्ठी और सादृश्यम। यदि से उपसर्ग का अर्थ समान सादृश्यम अर्थ में या समानता अर्थ में प्रयुक्त हो तो आपको संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगानी है और अंत में स के स्थान पर सादृश्यम लिखना है। अब बात चलते हैं अगले उपसर्ग पर, ध्यान दीजिए। बात करें अगले उपसर्ग की, देखिए समृद्धि अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? सु। समृद्धि अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? सु। कौन सा? सु उपसर्ग होता है। और जैसे ही समस्त पद में सु उपसर्ग आए, ध्यान दें, सु उपसर्ग जैसे ही समस्त पद में सु उपसर्ग आए तो आपको संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगानी है और सु के स्थान पर अंत में समृद्धि लिखना है, क्योंकि सु उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? समृद्धि अर्थ में।
ऐसा ही आपको मिलेगा दुर। सु होता है, सु उपसर्ग होता है समृद्धि अर्थ में, और दुर होता है वृद्धि अर्थ में। किस अर्थ में? वृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, ध्यान रखें। ये समृद्धि अर्थ में है और दुर किस अर्थ में होगा? वृद्धि अर्थ में, ध्यान दें। समृद्धि अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? सु। और समस्त पद में जब सु उपसर्ग आए तो संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके अंत में सु के स्थान पर समृद्धि लिख देते हैं। लिख रहा है बोर्ड पे, समृद्धि अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? सु। और सु उपसर्ग समस्त पद में है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके अंत में सु के स्थान पर क्या लिख देंगे? समृद्धि। क्या लिख देंगे? समृद्धि। देखिए, सभी में सु उपसर्ग, ये समस्त पद हैं, समास हैं या संक्षिप्तीकरण हैं। इधर हम इधर क्या करेंगे? समास विग्रह। सु देखिए, सु उपसर्ग सब में दिख रहा है, ये सु है, इसमें सुधन अभ्यासम करेंगे, संधि हो जाएगी, स्वाभ्यासम, ठीक है। सुविप्रम सुधन आर्यम करेंगे तो स्वार्यम बनेगा, स्वार्यम, ठीक है। ध्यान दो, सु उपसर्ग है इन सभी में, सु के स्थान पर अंत में क्या लिख देंगे? समृद्धि। क्या लिख देंगे बताइए? समृद्धि, ठीक है। अब मद्र शब्द है, मद्र, इसमें षष्ठी विभक्ति लगाओ, मद्राणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाया हमने, मद्राणाम, मद्राणाम समृद्धि हो गया समास विग्रह, मद्राणाम समृद्धि। सुभिक्षम, भिक्ष नहीं है ये, कौन सा शब्द है? भिक्षा। आकारांत है, आ की मात्रा हटाई, मैं हलंत लगा दिया, नपुंसकलिंग में बदल गया, तो भिक्षा, भिक्ष नहीं है ये, भिक्षा है। षष्ठी विभक्ति लगाओ, भिक्षाणाम, सु के स्थान पर अंत में क्या कर देंगे? समृद्धि जी। सुब्राह्मणम, ब्राह्मण शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी, ब्राह्मणानाम। देखिए, मैंने अभी बताया आपको ब्राह्मण संज्ञा शब्द है इसमें, ब्राह्मण में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या होगा? ब्राह्मणानाम। क्या होगा? ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणानाम। और सु के स्थान पर क्या कर देंगे? समृद्धि। इसमें संज्ञा पद है अभ्यास, अभ्यास में षष्ठी लगाओ, अभ्यासस्य, अभ्यासस्य, और सु के स्थान पर क्या कर देंगे? समृद्धि। विप्र में लगाइए षष्ठी विभक्ति, विप्राणाम। क्या होगा? विप्राणाम, और सु के स्थान पर अंत में क्या लिख देंगे? समृद्धि। आर्य में लगाइए, आर्य में, आर्य मूल शब्द है, इसमें संज्ञा, संज्ञा पद है, संज्ञा पद में षष्ठी लगाइए, आर्याणाम, और सु के स्थान पर क्या लिख देंगे? अंत में समृद्धि, ठीक है। तो ये शब्द हैं आपके जिनमें हमने षष्ठी विभक्ति लगाई। हमने दो आज उपसर्ग पढ़े, से, से के स्थान पर सहितम लिखना है, और सु के स्थान पर क्या लिखनी है? समृद्धि लिखनी है। जब से उपसर्ग आए तो संज्ञा पद में तृतीय विभक्ति लगानी है और से के स्थान पर अंत में सहितम लिख देते हैं। जब सु उपसर्ग आए तो संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगानी है और सु के स्थान पर अंत में समृद्धि लिखना है। इस तरह से आपको समास विग्रह करना है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।